हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एसेंस ऑफ मेडिकल। में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉइंट के बारे में, जिसका नाम है हिप जॉइंट। तो जब भी हम किसी जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, उसमें दो पॉइंट हमें सबसे पहले पढ़ना पड़ता है कि इस साइनोवियल जॉइंट सब टाइप क्या है, बॉल एंड सॉकेट। फिर हम पढ़ते हैं बोन्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल। तो देखिए, आपको यहाँ पे दो डायग्राम दिख रहा होगा। ये क्या है? ये है हमारा हेड ऑफ फीमर। इसका ये जो पार्ट है ग्लोब्यूलर पार्ट, ये है हमारा हेड। तो ये क्या करता है? ये हमारा फॉर्मेशन करता है बॉल का। ये क्या है? यह है हमारा एसिटाब्यूलम। एसिटाब्यूलम का ये क्या है? एसिटाब्यूलर फॉशा। ये क्या है? जो ऐसे मून शेप का है, लूनेट सरफेस। देखिए, ये है मेरे पास एक हिप बोन और ये है इसका एसिटाब्यूलम। ये है इसका एसिटाब्यूलम। ये शेप, ये है हमारा लूनेट सरफेस, ये है हमारा आर्टिक्यूलर फॉशा और ये है हमारा फीमर। और फीमर का ये रहा हमारा हेड। ये क्या है? हमारा ग्लोब्यूलर हेड। ये हेड कहाँ पे अटैच होता है? ये यहाँ पे ऐसे अटैच होता है, ये ऐसे अटैच रहता है, ठीक है। तो ये बनाता है हमारा बॉल और ये बनाता है हमारा सॉकेट। ये बॉल, ये सॉकेट। फिर हम आते हैं लिगामेंट्स में। तो जब भी हम किसी साइनोवियल जॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा कैप्सुलर लिगामेंट तो होगा ही होगा। आपको और कोई भी लिगामेंट्स याद रहे या ना रहे, लेकिन ये आपको हमेशा याद रखना है, साइनोवियल जॉइंट कैप्सुलर लिगामेंट। उसके बाद आता है हमारा इलियोफिमोरल लिगामेंट, इश्चियोफिमोरल लिगामेंट, प्यूबोफिमोरल लिगामेंट। देखिए, ये जो है हमारा हिप बोन, ये इसी के सारे पार्ट है। ये इलियम है, ये इश्चियम है और ये हमारा प्यूबिस पार्ट है, ठीक है। तो ये इलियम, इश्चियम, प्यूबिस, इसके साथ हमारी फीमर का रिलेशन है, तो नाम भी वैसे ही दिए गए हैं। फिर आता है हमारा ट्रांसवर्स एसिटाब्यूलर लिगामेंट। ये जो एसिटाब्यूलम है, इसके ऊपर ये ऐसे रहता है, ऐसे, ट्रांसवर्स एसिटाब्यूलर लिगामेंट। उसके बाद आता है हमारा लिगामेंटम टीरिस फेमोरिस। तो लिगामेंटम टीरिस फेमोरिस, इसका नाम आपको याद रखना पड़ेगा, बस फेमोरिस, फेमोरिस मतलब ये हमेशा आपके इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी में रहेगा, फीमर से फेमोरिस। और लास्ट में आता है एसिटाब्यूलर लैब्रम। लैब्रम वर्ड आपको और भी बहुत सारे जॉइंट्स में मिलेंगे। मतलब क्या है? लिप, मतलब है इसका लिप। फिर हम आगे चलते हैं इसके मूवमेंट्स विथ मसल अटैचमेंट्स के साथ। फ्लेक्शन में हमारा काम करता है टू मसल्स, सोअस मेजर, इलियाकस। अब हम देखते हैं इसका एक्सटेंट क्या होता है। इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल। देखिए, एक्सटेंट का मतलब ये होता है कि आप फ्लेक्शन जो है, आप उसको कितने दूर तक आप इसको फ्लेक्स कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम आते हैं एक्सटेंशन में। यहाँ पर दो मसल है, ग्लूटियस मैक्सिमस एंड हैमस्ट्रिंग। इसका एक्सटेंट कितना है? 15 डिग्री तक। देखिए, फ्लेक्स करना, सोचिए कि ये अगर आपका नी ज्वाइंट है, तो फ्लेक्स मतलब ऐसा, ऐसा फ्लेक्स, ठीक है, फ्लेक्स कर रहे हैं। ये हमारा हिप है, तो हिप को आप ऐसे कर रहे हैं, ऐसे मतलब आप फ्लेक्स कर रहे हैं। अब आप किसको एक्सटेंड कर रहे हैं, तो एक्सटेंड मतलब ये ऐसे है, अब इसको ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे है, आप इसको ऐसे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कितना तक एक्सटेंड होगा? ये 15 डिग्री तक, ठीक है। फिर हम आते हैं एडक्शन में। तीन मसल है, एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर ब्रेविस, एडक्टर मैग्नस। एक्सटेंट क्या है?
देखिए, सबका एक्सटेंट याद रखना आपका एग्जाम ओरिएंटेड में ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप दे पाएंगे तो आपको मार्क्स और भी ज्यादा मिलेंगे। तो इसका एक्सटेंट क्या है? विथ ऑपोजिट लिंब। देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एडक्शन। सोचिए कि ये आपका एक पैर है, ये आपका दूसरा पैर है, तो एडक्शन मतलब ये जुड़ जाएगा, यानी कि ऐड हो जाएगा। तो एडक्शन कितने देर तक हो पाएगा? ये ऐसे हो जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, तो ये ऐसे हो पाएगा, मतलब इसका एक्सटेंड होगा हमारे ऑपोजिट लिंब, यानी कि इसका एक्सटेंड होगा ऑपोजिट लिंब तक। फिर हम आते हैं एबडक्शन में। दो मसल है, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। एक्सटेंट 50 डिग्री। फिर हम आते हैं लैटरल रोटेशन में। यहाँ पे बहुत सारे मसल्स के नाम आपको पढ़ने के मिलेंगे, ये आपको पहले थोड़े से मुश्किल लगेंगे, लेकिन आपको ये बार बार करना है तो आपको ये याद हो जाएंगे। ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस एंड ऑब्टूरेटर इंटर्नस, EXT एक्सटर्नस, INT इंटर्नस। गैमेलस सुपीरियर, गैमेलस इंफीरियर, क्वाड्रेटस फेमोरिस। ठीक है, क्या कर पाते हैं? इसका एक्सटेंट होता है हमारा 60 डिग्री तक। फिर हम आते हैं मीडियल रोटेशन में, ग्लूटियस मीडियस एंड ग्लूटियस मिनिमस। एक और मसल होता है, क्या होता है हमारा? टेंसर फाशा लाटा। इसका एक्सटेंट क्या होता है? इसका एक्सटेंट होता है 25 डिग्री तक। देखिए मीडियल रोटेशन का मतलब ऐसा है कि सोचिए ये आपका हिप जॉइंट है, ठीक है, और ये वाला फिंगर मिडिल फिंगर, ये आपका मिड लाइन है। तो मीडियल रोटेशन मतलब आप अपने फिंगर को ऐसे कितना मूव कर पाते हैं, ये होता है हमारा मीडियल रोटेशन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिलेशंस ऑफ द हिप जॉइंट के बारे में, इंटीरियर रिलेशन। ये रिलेशन को याद रखने के लिए हमारे पास एक निमोनिक्स है, इसको हम बोलते हैं IF3। आई से क्या है हमारा? टेंडन ऑफ इलियो सोअस, टेंडन ऑफ इलियो सोअस। ठीक है, F3 से मतलब कि 3 F है, क्या है यहाँ पे? फिमोरल नर्व, आर्टरी एंड वेन। तो क्या है हमारा निमोनिक्स? IF3। आई से टेंडन ऑफ इलियो सोअस, F3 से फिमोरल नर्व, आर्टरी एंड वेन। ठीक है, अब हम आते हैं पोस्टीरियर रिलेशन में। देखिए यहाँ पे है तो बहुत सारे मसल, लेकिन क्या करें, हमको याद रखना ही पड़ता है। इसके 3 मसल के लिए हमारे पास एक छोटा सा निमोनिक्स है, GPS, ग्लूटियस मैक्सिमस, सायटिक नर्व एंड पायरीफॉर्मिस। और क्या है यहाँ पे? टेंडन ऑफ ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, ऑब्टूरेटर इंटरनस विथ 2 गैमेली एंड क्वाड्रेटस फिमोरिस। फिमोरिस मतलब हमारे फीमर रिलेटेड, यानी कि इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी में ये आएगा। फिर क्या है हमारा? सुपीरियर रिलेशन। तो इसका भी एक छोटा सा निमोनिक्स है, इसको हम बोलते हैं क्या? RG3 से। R फॉर क्या? रेक्टस फिमोरिस। R फॉर क्या? रेक्टस फिमोरिस। G3 यानी कि 3G से आएगा। जी से हमारे 3 ही तो मसल आते हैं, ग्लूटियस मिनिमस, मीडियस एंड ग्लूटियस मैक्सिमस। तो RG3 किसका निमोनिक्स हुआ? हमारे सुपीरियर का। IF3 किसका निमोनिक्स था? हमारे इंटीरियर रिलेशन का। फिर हम आते हैं इन्फीरियर में। इसमें बहुत सारे मसल्स हैं, लेकिन इसका एक निमोनिक्स भी है। निमोनिक्स होता है तो हमें याद रखने में आसानी होती है। गोला बहुत ही फेमस सा निमोनिक्स है। तो हम शुरू करते हैं जी से। जी से है हमारा ग्रेसिलिस। फिर है हमारा ओ। ओ से है हमारा ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस। देखिए पोस्टीरियर रिलेशन में हमारे पास ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस भी था, ऑब्टूरेटर इंटर्नस भी था, लेकिन इन्फीरियर रिलेशन में हमारे पास सिर्फ ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस है। ठीक है, फिर हम आते हैं एल से, लैटरल फाइबर ऑफ पेक्टिनियस, लैटरल फाइबर ऑफ द पेक्टिनियस। यहाँ पे हम एल से याद रखते हैं। फिर क्या है? ए। ए से है यहाँ पे हमारे ये तीनों मसल, एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस एंड मैग्नस। एडक्टर लॉन्गस, ब्रेविस एंड मैग्नस। और लास्ट में आते हैं हमारा एच। एच से क्या है हमारा? हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल। तो जी से है ग्रेसिलिस,
ओ से है ऑब्टूरेटर एक्सटर्नस, एल से है लैटरल फाइबर ऑफ पेक्टिनियस, ए से है एडक्टर लॉन्गस ब्रेविस मैग्नस एंड एच से है हमारा हैमस्ट्रिंग ग्रुप ऑफ मसल। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो बस इतना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीजें मूवमेंट्स मसल अटैचमेंट और ये रिलेशन एक डायग्राम के जरिए आपको और अच्छी तरीके से समझा दूंगी। थैंक यू।